अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ाज़ द फ्रैकर। वेलकम टू द वेरी न्यू फ्रेश व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शाहदरा शरीफ और आपको बताता हूँ मैं हिस्ट्री शाहदरा शरीफ की क्या है क्या नहीं है। बने रहिए व्लॉग में। मैं वेट कर रहा हूँ लोकल बस का, तो जब आती है तो जर्नी स्टार्ट करूँगा अपने यहाँ से, तो बताएँगे आज आपको शाहदरा शरीफ। लंच भी ये आ गई है मेरे राइट, इसी में जाऊँगा। ये है लोकल बस, आज बहुत ही सालों बाद मैं इसमें जाऊंगा। तो चलते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं जा रहा हूँ इसमें जाऊँगा। पहुँच गया हूँ मैं लोअर बंगाई एरिया में। यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर का सफ़र है, आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा यहाँ पे। जम्मू से कुछ 177 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से शाहदरा शरीफ श्राइन बाबा गुलाम शाह बादशाह। ये आ गया लोअर बंगाई एरिया, आप देख सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ आगे पेट्रोल पंप। वेलकम बाबा गुलाम शाह बादशाह, अस्सलाम वालेकुम। यह है श्राइन बाबा गुलाम शाह बादशाह, ये मेन मार्केट में मिलेगी आपको यहाँ पे। तो चलते हैं ऊपर, करते हैं दर्शन बाबा जी के और दुआ करें, सबके लिए दुआ भी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें ये है श्राइन, बहुत ही खूबसूरत। ये मेन बस स्टैंड है शाहदरा शरीफ का। तो मेरी जर्नी यहाँ तक ख़त्म है। अब यहाँ से ऊपर थोड़ा सा बाई वॉक, गाड़ी भी जाती है ऊपर बट बाई वॉक। ये मेन बस स्टैंड है शाहदरा शरीफ और ये मार्केट है। आप यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दोस्त भी हैं यहाँ पे मेरे, सलीम साहब भी बैठे हैं। सलाम अलैकुम सलीम साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, सब बस। ये मेन एंट्रेंस से शाहदरा शरीफ, सारे बड़े बड़े। हाँ जी सलाम अलैकुम, क्या नाम है आपकी दुकान का? क्या नाम है आपकी दुकान? उमर ख्वाजा जी से आप ले सकते हैं सब कुछ यहाँ से, हर एक चीज़ आइटम वगैरह है आपको, सब्जी बड़ी सब कुछ मिक्स सब। कैसे हो आप? प्रवानी दुआ है, मैं आया ऊपर से थोड़ सा काम है, मैं बस आया थोड़ी देर में। बचपन में आ करता था मैं यहाँ से, पैदल जाने का बहुत ही मज़ा आता था, बट अब तो गाड़ी वहाँ श्राइन तक जाती है ऊपर से। ये गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, चलते हैं ऊपर, थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा करें। बहुत ही प्यारा गार्डन भी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू। आज थोड़ी पहुँचा हूँ शाहदरा शरीफ। ये जो आप मेरे सामने पेड़ दिख रहे हैं, इसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले चलते हैं श्राइन की ओर। ये है बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की ज़ियारत मुबारक, और ये हर एक धर्म के लिए खुली है। कोई भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म का यहाँ पे आके अपनी मुरादें पूरी करता है। ये महाराजा गुलाब सिंह ने 19वीं सदी में बाबा गुलाम शाह बादशाह जी के लिए कंस्ट्रक्ट करवाई थी, यहाँ पे इसकी तामीर शुरू करवाई थी। जब 1820 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आर्मी जनरल गुलाब सिंह को यहाँ पे भेजा था, कुछ लैंड के मसले में कुछ भेजा था यहाँ पे, और उसके चलते चलते उसने अपने बहुत से जवान खो बैठा था। और एक दिन वो यहाँ से गुजर रहा था थना मंडी से, तो उसने बाबा जी के बारे में सुना और वो यहाँ से उनसे मिलने चला आया। और जब ही यहाँ पर पहुँचा तो बाबा जी ने गुलाब सिंह को देखा और उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा और हंसने लगे।
फिर बाबा जी ने उसको बोला, गुलाब सिंह जी को बोला उनको कि आप एक पहाड़ी पे चढ़ जाओ और वहाँ से जितना भी आप जितनी दूर तक देख सकते हो, जितनी दूर तक देख सकते हो वो टेरिटरी आपकी। और महाराजा गुलाब सिंह एक पहाड़ी पे चढ़ गए, वहाँ से देखा उनने किश्तवाड़, तिब्बत, भद्रवाह, ये वो जितना भी एरिया उन्होंने देख सकते थे अपनी आँखों से, तो वो उन्हें देखा और लेटर उन पे कंकरर हो गया, उन पे कब्ज़ा किया उनने, वो उन्हीं की होगी। फिर बाद में जब गुलाब सिंह राजा बन गए जम्मू के, वो यहाँ पे आए और बाबा जी से मिलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बाबा जी तब अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। और फिर लेटर उन्होंने ये श्राइन कंस्ट्रक्ट करवाई थी और आज ये बहुत ही मानी जानी हुई ज्यारत बन चुकी है। यहाँ पे हज़ारों करोड़ों लोग आते हैं दिन ब दिन। ये पुरानी मस्जिद है यहाँ पे, ये कुछ बाबा जी के जाने माने प्यारे लोग थे। तो ये था शादराशी। अब आपको मैं इस पेड़ की कहानी सुनाता हूँ। अगर मेरी कहानी में थोड़ा बहुत गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं था, बट समहाउ यही है कहानी जो हमने सुनी है बचपन से अपने बुज़ुर्गों से। अगर नहीं है ये तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं बताता हूँ अब आपको। इस पेड़ की कहानी बताता हूँ मैं आपको कि जब बाबा जी एक दिन रात को आग जलाने की कोशिश कर रहे थे और वो आग जल नहीं रही थी, वो लकड़ थी जो वो गीली थी चाय और वो जल नहीं रही थी, तो बाबा जी में गुस्से में आकर वो लकड़ी यहाँ पे फेंकी थी और कुछ और उन्हें कहा था कि ये वर्ड इस्तेमाल किए थे कि जलनी नहीं तो फलनी रहो, कि मतलब अगर नहीं जलती तो हमेशा उगती रहे, फलती रहे। तो ये वो पेड़ है जो 12 महीने ऑल सीजन, चाहे स्प्रिंग समर कुछ भी हो, ये 12 महीने ये संतरे ऑरेंज का पेड़ है ये लगे रहते हैं। और लोग देखें अपनी मुरादें, ऐसा बिलीव है लोगों का कि लोग यहाँ पे बैठेंगे और ये कभी भी संतरा ये कभी गिरेगा तो ये बरकत करेगा उनकी जान माल, जान में तो नहीं इंशाल्लाह, माल में ज़रूर बरकत करेगा। और ये लोग कुछ उनके बिलीव्स हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं घंटों तक। तो ये थी शादरा की हिस्ट्री, और जो मेरे से होगी होगी गलती तो माफ़ कीजिएगा। तो अब आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ मैं, तो चलता हूँ वापस घर की ओर। एक बार फिर से आप देख लें शादरा शरीफ, माशाल्लाह। ठीक है गाइस, तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे, थैंक यू ऑल फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल एज अ ट्रैकर, और मैं आपके लिए अच्छे से व्लॉग बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो चले शबक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।